गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल नवीन वर्ल्ड। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दी ऑनलाइन क्लासेज। इन द 10th क्लास, इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव स्टडी अबाउट द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ द ई लर्निंग। नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिकल ऑल दीज। देखें तो ऑनलाइन क्लासेज का मतलब होता है 24/7 एनी वेयर एनी प्लेस। कभी भी सीखो, कहीं भी सीखो, कहीं भी बैठ के सीखो। तो वही काम कर रहे हैं आजकल हम ऐसे ही सीख रहे हैं। तो इन द प्रीवियस क्लास वी न्यू अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ, एल इफ, नेस्टेड इफ एल्स और ओनली इफ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट। और समटाइम्स सम पर्सन्स एंड सम बुक्स ऑल्सो कॉल देम इटरेशन। इटरेशन मीन रिपीटेड स्टेटमेंट। सो इन द पाइथन दे आर टू टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सो वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर 1 to 100 बाई द हेल्प ऑफ फॉर लूप एज वेल एज व्हाइल लूप। एंड इन दिस वीडियो we will also learn how to calculate a number is prime number or not. So before starting the loop, first we will know about the loop. What is loop? Loop is this repetitive statement matlab ho gaya yahan par ki agar koi condition jab tak false hai, jab tak wo true nahi hoti, tab tak wo statement ko repeat karta rahega. Agar main aapse kahun ki bhai maan chaliye 1 to 100 aapko number print karane hain, to the first method to ye kehta hai ki aap 100 वेरिएबल्स ले लीजिए, उनके अंदर 100 वैल्यूज डाल लीजिए और उनको प्रिंट करा दीजिए। दैट इज दी हार्ड वर्क। मेरी नज़र में हार्ड वर्क तो गधा करता है, स्मार्ट वर्क कंप्यूटर वाले करते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये है। तो वही 1 to 100 हमें हम फॉर लूप और वाइल लूप से प्रिंट करने वाले। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप में जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें कोई वेरिएबल की नीड नहीं होती जो हमें पहले से इनिशियलाइज करना है। तो बस हमें लिखना है यहाँ पर फॉर। फॉर लिखने के बाद कोई भी एक वेरिएबल जो आपको यूज लेना है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक्स, और एक मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पर रेंज। रेंज फंक्शन तीन तरीके से यूज होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। रेंज फंक्शन में अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम 0 to 9। ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, यानी एक नंबर कम चलेगा और स्टार्ट करेगा 0 से। बट मुझे 1 to 100 चाहिए, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1। यहाँ इसलिए मैंने लिखा है 1, 10 या 1, 100। अभी 100 तक प्रिंट नहीं करेगा, अभी भी ये 99 तक करेगा, इसलिए मुझे यहाँ क्या लाना पड़ेगा, दैट इज 101। यानी अब ये हो गया 101 से लेकर 100 तक। बाई डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट 1 का करता है, एक इंक्रीमेंट करता जाता है। अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट करना है, देन यू हैव टू राइट हियर 2, 1, 101, 2। यानी आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट दिया और आपने डिफरेंस दिया। बट मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है विदाउट डिफरेंस, तो आई विल नॉट राइट हियर 2, बिकॉज बाई डिफॉल्ट इट विल कैलकुलेट बाई 1। नाउ आई विल अप्लाई हियर द कॉलन साइन, दैट इज द ब्लॉक इंडेंटेशन जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना और जस्ट ब्रैकेट में आई लिखना है, और आई नहीं वेरिएबल में एक्स यूज करूँ तो एक्स लिखेंगे और फायर कर दीजिए। जब मैंने एंटर एक बार प्रेस किया तो उसे अभी लग रहा है कि अभी मैं कंटिन्यूस उसी स्टेटमेंट में चल रहा हूँ, फॉर स्टेटमेंट में, लूपिंग में। मुझे एक और बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा उसी स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए। ये आपके 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ। लेट मान चलिए 1 से लेकर 50 के बीच में इवन नंबर प्रिंट करने हैं, 1 to 50 के बीच में इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे 2 से स्टार्ट करूंगा और डिफरेंस 2 का रखूंगा। ये मेरा इवन नंबर प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नंबर की टेबल आपको प्रिंट करनी है, लेट मान चलो 9 की टेबल आपको प्रिंट करनी है, तो वही सिंपल तरीका है। यहां मैं लिखूंगा 9, क्योंकि 9 से स्टार्ट करूंगा, टेबल जाएगी 90 तक, तो मैं इसको 91 लिखूंगा, क्योंकि एक कम चलने वाला है ये, और डिफरेंस भी किसका रहेगा, 9 का ही रहेगा। अगर इसी को मैं C++ में करूं या जावा में करूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है टेबल को प्रिंट करना। तो ये बात थी हमारी फॉर लूप की कहानी। अब इसी ये तीनों की तीनों प्रोग्राम में हम व्हाइल लूप से करने वाला हूँ। व्हाइल लूप में एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक याद है कि उसमें कोई रेंज फंक्शन नहीं है। जब रेंज फंक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू मुझे पहले से इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। जैसे मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा x=1। अब मैं यहाँ लिखूंगा वाइल। वाइल लिखने के बाद मैं वो कंडीशन दूंगा कि मुझे एक्स को कहाँ तक ले जाना है। तो जब तक एक्स लेस देन इज इक्वल टू 100 नहीं हो जाता, तब तक इक्वल का साइन लगा रहे हैं तो आपको 100 लिखना है, और आप इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं तो आपको 101 लिखना पड़ेगा। पैरेंथेसिस क्लोज कॉलन। पहले मैं प्रिंट कराऊंगा एक्स को, यानी 1 प्रिंट करेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ इंक्रीमेंट दे सकता था, कैसे अभी बताता हूँ आपको। x=x+1, बस हो गया मेरा काम। लेट्स सी, इन केस अगर मैं इसको पहले x को इंक्रीमेंट कर लेता हूं, पहले x की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर ली यहां पर,
और उसके बाद प्रिंट करता हूँ, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम टू, क्योंकि पहले x की वैल्यू 1 थी, उससे पहले मुझे एक बार इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू 100 हो चुकी है। यहीं पर आता है ड्रॉबैक इंटरेक्टिव मोड का, यहाँ x की वैल्यू 1 वापस इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। और यहाँ मैंने ये पहले इंक्रीमेंट दे दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट करा लिया, तो अब ये 2 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा स्लोली स्लोली। देखिएगा प्रीवियस आउटपुट की तरफ चलते हैं, इसने कहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट किया है। तो इसने देखा है 2 से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो वहाँ 0 से स्टार्ट करूँगा, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अभी यही इवन नंबर या ऑड नंबर का होता तो पहले इसको इनिशियलाइज करो, उसके बाद वापस से यहाँ आओ, 50 तक चलना है मुझे इवन नंबर प्रिंट करने के लिए 50, और यहाँ x इज इक्वल टू x प्लस 2 देंगे। चाहें तो आप इसको शॉर्ट एंड नोटेशन दे सकते हैं, शॉर्ट एंड नोटेशन में कुछ नहीं करना, इसको आपको ऐसे लिखना है, ये शॉर्ट एंड नोटेशन हो गया, यानी ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x प्लस 2 के इक्विवेलेंट हो गया, बस फायर कर दीजिए। और इसी में अगर आपको टेबल प्रिंट करनी है तो टेबल के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करिए, आप कोई एक वेरिएबल ले लीजिए जिसकी वैल्यू लेट मैंने ले ली यहाँ 1, और वाइल लूप लगाया। अब मैं x को खींच के ले जाऊंगा 10 तक, क्योंकि अगर टेबल को देखें तो अगर 2 की टेबल का मतलब 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, ये हो गया आपका। इसके अंदर मैं वो लिखूंगा जिस नंबर का मुझे टेबल निकालनी है, जैसे मुझे 9 की निकालनी है तो 9 × x कर दूंगा इसको मैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैं दूंगा इंक्रीमेंट, शॉर्ट एंड नोटेशन लगा रहा हूँ वापस से। ये देखो 9 की टेबल प्रिंट हो गई। तो ये तो हो गई वाइल लूप की कहानी और फॉर लूप की कहानी। अभी मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में आपको मैं ये और बताऊंगा कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम लोग अब बनाने वाले हैं स्क्रिप्ट मोड से। स्क्रिप्ट मोड से बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है, तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट मोड आ जाएगा। तो बस प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए पहले आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो आपको चेक करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक्स नाम का कोई वेरिएबल लिया, और इंटीजर टाइप का लेना है तो इसलिए मैंने इंट लगाया, और यहाँ लिखेंगे आप इनपुट फंक्शन यूज़र से नंबर लेने के लिए, और यहाँ मैंने उसको एक मैसेज दे दिया कि भाई हमें एक नंबर दे दे जो मुझे चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं है। एक और मैंने वेरिएबल ले लिया फैक्ट, जिसकी वैल्यू मैंने पहले से ही ले लिया 0, ये देखने के लिए कि इसके फैक्टर्स कितने हैं। तो अभी मैं यही लेकर चल रहा हूँ कि भाई 0 फैक्टर्स के कोई फैक्टर ही नहीं है। अब यहाँ आप फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाने के लिए यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लेंगे, इसे मैंने आई ले लिया, और यहाँ लगाया मैंने इन रेंज। मुझे फैक्टर चेक करने 1 से लेके वो नंबर तक, यानी 1, x + 1 तक। बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा तो मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लगाया इफ़, इन केस अगर आपसे इंडेंटेशन ख़त्म हो जाता है बाय मिस्टेक तो आप यहाँ टैब का बटन दबा दें, या फिर वापस चले जाएं और यहाँ एंटर दबाएं तो इंडेंटेशन आ जाए आपका आ जाएगा। इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगाने के बाद उस नंबर को 1 से लेके उस नंबर तक ही डिवाइड करेंगे बाय दी मॉडुलस साइन, और देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, फैक्टर है तो फैक्ट की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे। बाय शॉर्ट एंड नोटेशन भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया कैलकुलेट, बाहर आएंगे, ये इफ से बाहर आ गया, मैं एक और बार दबाऊंगा, मैं फॉर लूप से बाहर आ गया। बस आपको चेक करना है कि ये इसके फैक्टर कितने हैं। अगर इसके फैक्टर 2 हैं तो ये प्राइम नंबर है। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट प्राइम, और अगर ऐसा नहीं है, ये बस गलती हो गई, यहाँ डबल कोटेशन स्टार्ट किया तो डबल ही बंद होगा, एल्स कॉलन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट नॉट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लूप के साथ सिंगल इफ भी यूज़ किया है, ये आपका ये वाला पोर्शन सिंगल इफ यूज़ किया है, और नीचे वाला मैंने इफ़ एल्स भी यूज़ किया, यानी ऊपर ओनली इफ यूज़ किया, नीचे इफ़ एल्स यूज़ किया है। आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास परफेक्शन कितना है। बस इसको रन करा दीजिए, F5 दबाइए। F5 कराने से पहले आपको ये सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम, सेव किसी भी नाम से कर दिए, जैसे मैंने
सेव कर दिया ए नाम से, और डॉट पी वाई, पी वाई दी एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। अब वो सबसे पहले आपसे पूछेगा वो नंबर बताओ जो चेक करना है, इसे मैंने दे दिया 13, प्राइम नंबर है। दोबारा से देखो, एक बार F5 और दबा दिया, अब क्या नंबर डाल रहा हूँ 9, नॉट। एक और बार देख लो, रेड 21 के लिए चेक कर लेते हैं, F5 दबाया और यहाँ मैंने दिया 21, नॉट। और देख लीजिए एक 23 के लिए देख लेते हैं, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपका हो गया। आज के लिए केवल इतना ही, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत।